अखिल भारतीय कांग्रेस 136वें स्थापना दिवस पर इंदौर के मुख्य कांग्रेस कार्यालय पर एक आयोजन रखा गया, जहां शहर अध्यक्ष सहित कई नेताओं की मौजूदगी में कई वरिष्ठ कांग्रेसियों का सम्मान हुआ। कांग्रेस पार्टी के 136वें स्थापना दिवस के अवसर पर सभी नेताओं ने मंच के माध्यम से कांग्रेस कार्यालय जाने के गांधी भवन में अपना उद्बोधन दिया। इस दौरान प्रवक्ता के मिश्रा ने कांग्रेसियों में जोश भरने की कोशिश की और आगामी समय में होने वाले नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस की जीत की बात कही। वहीं कांग्रेस के शहर अध्यक्ष विनय बाकलीवाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस बार शत प्रतिशत चुनाव जीत रही है। जिन जिन वादों से दो या तीन प्रत्याशी दावेदारी करेंगे उन्हें वरिष्ठ नेता समझाएंगे। वहीं भाजपा की कथनी और करनी को कांग्रेस ही वार्ड स्तर पर जनता के बीच पहुंचकर जनता को बताएंगे। इस दौरान बाकलीवाल ने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर भी जमकर निशाना साधा। इस भारत देश की आजादी के लिए कांग्रेस के अनेक नेताओं ने अपनी कुर्बानी देकर भारत देश को आजाद किया था। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1985 को पहुंचा करके द्वारा की गई। इसकी स्थापना में अधिकारी दादा भाई मुझे और दिनेश बाबा का एक अहम भूमिका उन्होंने निभाई थी। भारत के आधारित कांग्रेस सबसे बड़ी प्रमुख पार्टी जनसंख्या मानी जाती थी। इसके बंधुता आंदोलन में केंद्रीय और निर्णायक प्रभाव था। आज मेरा सभी कांग्रेसियों से निवेदन है, कांग्रेस की स्थापना हुई थी आज कांग्रेस द्वारा का 136वें कांग्रेस के सभी साथ बनेगा और परिषद भी कांग्रेस बनेगी।